Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, students. आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पीके चनपटिया ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी साइंस और मैथ का वीडियो बना रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे में प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा अलग अलग होती है और यही अलग अलग होने के कारण अपवर्तन की घटना घटती है। जैसे में हम लोग देखते हैं बाल्टी में जो डूबी छड़ी है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो छड़ी तो मुड़ा हुआ नहीं है लेकिन बाल्टी में डालने पर बाल्टी में जब जल भरा हो और उसमें छड़ी को डालते हैं तो वह छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब प्रकाश जो है हवा से जल में प्रवेश कर रहा है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन के कारण हम छड़ी को मुड़ा हुआ दिखाई देते हैं। इसके अलावा जल से भरे ग्लास में अगर सिक्का को हम डालते हैं तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह सब घटना अपवर्तन के कारण ही होता है। अब आइए हम इसका परिभाषा सीखते हैं। जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उनके दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस अपवर्तन के कारण ही अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिक अलग अलग होता है। विजल माध्यम में प्रकाश की चाल कम नहीं सॉरी विजल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक विजल माध्यम का अर्थ हुआ हवा में प्रकाश की चाल अधिक
अब सघन, सघन का मत अथवा कांच में या जल में प्रकाश की चाल कम होता है। तो जब प्रकाश जो है विजल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसे आपको एक चित्र के द्वारा हम समझा रहे हैं। यह हवा हो गया, यह हवा माध्यम का कांच हो गया और यह हो गया कांच। कांच ले सकते हैं या जल ले सकते हैं। कांच हो गया तो इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है और यह हो गया अभिलंब। तो प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए इस तरह, लेकिन उस तरह नहीं जाता है, यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, इधर चला जाता है। यह माध्यम बदल रहा है तो इसका चाल जो है बदल गया, यह अभिलंब की तरफ झुक गया। अगर प्रकाश को हम सघन माध्यम से विजल माध्यम में प्रवेश कराएंगे तो यह अभिलंब से यह दूर भागेगा, यानी इस माध्यम में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है और विरल माध्यम में आते ही प्रकाश की चाल बढ़ गया तो यह अभिलंब से दूर भागता है। इसी कारण जो है जैसे में यहाँ पर जल भरा हुआ है, जल भरा कोई बाल्टी ले लेते हैं और उसमें हम छड़ी डालते हैं तो वह छड़ी जो है अभिलंब की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वह सीधा नहीं दिखाई देता है, वह अभिलंब की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसके दो नियम है, इसके दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही समतल में होते हैं। यह अपवर्तनांक का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को जो है हम म्यू से सूचित करते हैं। प्रकाश के किसी विशेष
रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आर साइन आई आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है यह हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक हो जाएगा और इसी नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं नियतांक हुआ इसी नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक हो गया और इसी प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं आपके एग्जाम में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि स्नेल का नियम क्या है तो जो है प्रकाश का जो अपवर्तन का दूसरा नियम है इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है इसे स्नेल का नियम कहते हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर जो है हम अगले सप्ताह केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो एक सप्ताह पढ़ाएंगे इस सप्ताह भर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और अगले सप्ताह केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तब तक के लिए फिर आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं टेक केयर बाय एंड गुड नाइट।